छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में आगामी 21 तारीख से ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 भिलाई का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के पूर्व पत्रकार वार्ता के दौरान इस संबंध में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा किन्हीं कारणों से पत्रकार वार्ता में शामिल नहीं हो पाए, उनकी अनुपस्थिति में आयोजकों ने मीडिया को जानकारी दी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में विजयी प्रतिभागी खिलाड़ी पुरस्कृत भी किए जाएंगे। मैं रुपेंद्र सिंह चौहान, जॉइंट सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन और हमारे महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के जगह उपस्थित हुआ हूं, जो कि स्वास्थ्यगत कारणों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं सर्वप्रथम भिलाई स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट टेनिस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज राजेश पाटिल को छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सोल एफर्ट करके इतना शानदार अरेंजमेंट इस ITF वर्ल्ड टेनिस टूर M15 के लिए किया है। इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन 21 तारीख को 9:30 बजे इसी टेनिस कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट के ED साहब के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने की संभावना है। मैं स्वामीनाथन, छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये जो M15 भिलाई वर्ल्ड टेनिस ITF टूर्नामेंट होने वाला है कल से, मिस्टर प्रवीण कुमार ITF का जो ये है ऑफिसर है, ये आए हुए हैं, भुवनेश्वर से आए हुए हैं। मिस्टर अभिषेक मुखर्जी ITF सुपरवाइजर, ये सब क्या इंटरनेशनल लेवल में जो हो ही रहा है, करीब 28 कंट्री से टोटल यहाँ आ रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसको पूरा डिटेल जो है अभिषेक साहब बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक मुखर्जी है, मैं ITF सुपरवाइजर हूँ। ITF $50,000 मेंस टूर्नामेंट के लिए भिलाई में ये दूसरा बार ये टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित हो रहा है। पहली बार 2017 में हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है और बहुत गर्व का बात है कि हमारे इंडिया में इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिससे हमारे लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स को बेनिफिट होता है, प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो बेनिफिट होता ही है। तो इस टूर्नामेंट से सब प्लेयर्स को वर्ल्ड रैंकिंग मिलता है, जो वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स को अपने रैंकिंग सुधारने में सहायता मिलती है, जिससे वो फर्दर ATP टूर और ग्रैंड स्लैम लेवल में खेलने के लिए आगे जाते हैं। तो इस टूर्नामेंट में जो विनर होगा उसको 15 ATP पॉइंट्स मिलेंगे और जो रनर अप होगा उनको 8 ATP पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से पॉइंट्स उनको मिलता है और वो इस तरह से अपनी रैंकिंग सुधारते हैं और फर्दर और बड़े बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइज मनी इस टूर्नामेंट का है $15,000, जो टोटल प्राइज मनी है। चैंपियन को मिलेगा $2,160 और उसके हिसाब से धीरे धीरे घटता जाता है। फर्स्ट राउंड लूजर को भी प्राइज मनी मिलता है। तो ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट है, एमेचर टूर्नामेंट नहीं है और सारे प्रोफेशनल प्लेयर यहाँ पर खेलेंगे, इंडिया के टॉप प्लेयर्स खेलेंगे और वर्ल्ड रैंकिंग के बहुत से कंट्री के प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लोग भी खेलेंगे। तो काफ़ी एक्साइटिंग टूर्नामेंट होने की आशा रखते हैं हम लोग। वेदर भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने टूर्नामेंट को यहाँ पर लाने के लिए। तो मैं टूर्नामेंट एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टूर्नामेंट यहाँ पर लाए हैं, जिससे हमारे इंडियन प्लेयर्स को खासकर बहुत सहायता मिलेगी और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। थैंक यू।